नमस्कार बीसी न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा सभी का स्वागत करती हूँ एच एक ऐसा वायरस है जो शरीर में कोशिकाओं पर अटैक करता है जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है सरल शब्दों में कहे तो एक ऐसी स्थिति है जो तब आती है जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है इस बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस पहली बार 1 दिसंबर उन्नीस को मनाया गया था इस दिन को पहली बार उन्नीस में एड्स पर वैश्विक कार्यक्रम के लिए दो सार्वजनिक सूचना अधिकारियों जेम्स डब्ल्यू बन और थॉमस नेटर द्वारा प्रस्तावित किया गया था अभियान के पहले दो वर्षों में विश्व एड्स परिवारों एवं एड्स के प्रभावों को उजागर करने के लिए बच्चों और युवाओं के लिए विषय पर केंद्रित दिवस था उन्नीस में यू एड्स ने विश्व एड्स दिवस के संचालन को अपने हाथ में ले लिया और पहल के दायरे को एक साल की रोकथाम और शिक्षा अभियान तक बढ़ा दिया एक दिसंबर 1988 को शुरू हुए विश्व एड्स दिवस का मकसद HIV या एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना लोगों में एड्स को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना एड्स या एच से पीड़ित लोगों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को रोकना और एड्स से जुड़े मृत को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना है विश्व एड्स दिवस दो 21 का तीन असमानताओं को समाप्त करे, एड्स खत्म करे है डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस साल का मुख्य एजेंडा दुनिया भर में आवश्यक एचआईवी सेवाओं तक पहुंचने में बढ़ती असमानता को उजागर करना है इसमें आगे कहा गया है कि विभाजन असमानता और मानवाधिकारों की अवहेलना उन विफलताओं में से है जिन्होंने एचआईवी को वैश्विक स्वास्थ्य संकट बनी और बनी रहनी दिया डब्ल्यूएचओ यह भी कहता है कि अब कोविड 19 सेवाओं में असमानता और व्यवधान को बढ़ा रहा है जिससे एच आई ग्रस्ती कई लोगों का जीवन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक मेधा पाटकर का जन्म 1 दिसंबर उन्नीस को मुंबई में हुआ था वह बांधों के निर्माण से प्रभावित होने वाले पर्यावरणीय सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों आरोप पर शोध करने वाली विश्व स्तरीय संस्था के सदस्य और प्रतिनिधि रह चुकी है मुंबई महाराष्ट्र में जन्मी मेघा के माता पिता सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके पिता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे जबकि माता महिलाओं के कार्य करने वाली सामाजिक संस्था की सदस्य थी मेधा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से सोशल वर्क में एम की डिग्री प्राप्त की और मुंबई में बसे झुग्गियों में बसे लोगों की सेवा करने वाली संस्थाओं से जुड़ गयी 28 मार्च 2006 को उन्होंने नर्मदा नदी की बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने विरोध स्वरूप भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया 17 अप्रैल 2006 को सुप्रीम कोर्ट से नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत बांध पर निर्माण कार्य रोक देने की अपील को खारिज कर दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन के अलावा भी मेधा कई सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आंदोलन में भागीदारी कर चुकी है अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मेधा ने टीम अन्ना का समर्थन किया तेरह जनवरी 2014 को उन्होंने आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होने की घोषणा की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी ने एक लेक्चरर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की तथा बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्य बनी जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उन्हें सन उन्नीस में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया आज के दिन उन्नीस में उनकी मृत्यु हुई थी सुचिता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला शहर में एक संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में पूरी हुई क्योंकि उनके पिता का हर दो तीन साल में ट्रांसफर हो जाता था उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा गया था उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टेफन्स कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की कॉलेज छोड़ने के बाद इक्कीस साल की उम्र में वह स्वतंत्रता संग्राम में कूदना चाहती थी लेकिन दुर्भाग्य से

सिंधी और सुचिता से 20 साल बड़े थे इसके अलावा गांधी को डर था कि इस विवाह के, के कारण आचार्य जो उनका दाहिना हाथ थे स्वतंत्रता संग्राम को कहीं छोड़ न दे आचार्य कृपलानी के समर्थन से सुचिता पूरी तरह से राजनीति में कूद गई 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला विंग अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही ऐसी अन्य और खबरों ऐसी जुड़े रहने के लिए देखते दे रहिए बी न्यूज नमस्कार